2016 में पाक अधिकृत कश्मीर में भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल पूरा होने पर आज त्रिपुरा में भी पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर कई इवेंटों का आयोजन किया गया है, जिनमें भारतीय सेना की वीरता और जाबाजी का प्रदर्शन करती फिल्में और फोटो प्रदर्शनी भी शामिल है। प्रदर्शनी में भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार आदि भी रखे गए हैं। चुनिंदा वेन्यू में मिलिट्री बैंड को भी शामिल किया गया है। आज सुबह मुख्यमंत्री बिप्लब देव लिचबगान स्थित एल्बर्ट अक्का पार्क पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए भारत ने पाकिस्तान की हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया था। 2016 से पहले पाकिस्तान ने भारत का यह रूप कभी नहीं देखा था। असम राइफल्स ग्राउंड में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सेना के हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। भारत ते कोथाओ झुकबे ना, विश्वेर कोनो शक्तिर चाइते कम नय, निजेर देशेर सार्वभौमत्व रक्षा करार अधिकार प्रत्येक देशेर रयेछे। এবং যে সাহসিক পদক্ষেপ সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, যে বারবার উপর থেকে টেরোরিস্টরা ভারতবর্ষের সাধারণ জনতার উপরে আর্মিদের উপর আক্রমণ করে ট্রেনিং নিয়ে রাত ও রাত ভারতীয় সেনারা সেখানে পৌঁছেছেন, রাত ও রাত সেই ক্যাম্পগুলি ধ্বংস করে আবার ভারতবর্ষে ফিরে এসেছেন। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और बॉलीवुड स्टार सलमान खान को हाल ही में एक साथ देखा गया। गुरुवार को दोनों ने अरुणाचल प्रदेश में एमटीबी माउंटेन बाइसाइकिल रेस के कर्टन रिजर इवेंट में हिस्सा लिया। अरुणाचल के मेचुका घाटी से राजधानी शहर ईटानगर तक 650 किलोमीटर की यह रेस आगामी 14 नवंबर से 22 नवंबर तक चलेगी। इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रिजिजू ने बॉलीवुड स्टार सलमान खान की तारीफ करते हुए ट्वीट किया है कि बगैर फीस लिए किसी सेलिब्रिटी को किसी भी काम में अपना वक्त देते बहुत कम देखा गया है। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान बगैर फीस लिए न केवल पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश को प्रमोट कर रहे हैं, बल्कि इसमें खुद भाग भी ले रहे हैं। यहां तक कि आर्थिक मदद करने में भी पीछे नहीं है। इधर सलमान ने सोशल मीडिया पर अरुणाचल प्रदेश का पारंपरिक ड्रेस मोनपा जैकेट पहनकर अपना फोटो टैग किया है और इस बारे में लिखा है कि उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जैकेट पहन रखी है, जो कि पारंपरिक और प्यारी है। सलमान खान ने आगे यह भी लिखा कि अगर आप प्रकृति के साथ शांति से रहना चाहते हैं तो इस खूबसूरत प्रदेश अरुणाचल प्रदेश की यात्रा अवश्य करें। फेनी पुल के निर्माण के बाद राज्य को अधिक राजस्व मिलेगा। मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने यह बात कहते हुए बैंक से मुद्रा योजना के अंतर्गत युवाओं को ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने को कहा है। मुख्यमंत्री देव ने उदयपुर के राष्ट्रीय हॉल में ओटीपीसी के 15वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। उन्होंने पूर्व सरकार की विकास में कमी के लिए निंदा करते हुए कहा कि उद्योगपति राज्य में विद्युत की कम कीमत को ध्यान में रखते हुए यहां उद्योग की स्थापना करना चाहते हैं। अगले 3 साल में त्रिपुरा को आदर्श राज्य बनाने की प्रदेश सरकार की पहल का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के बाहर काम कर रहे 12,000 अभियंताओं को वापस लाने की कोशिश करेगी। उन्होंने राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रबर के उत्पादन पर भी जोर दिया। ई वेस्ट रूल्स 2016 के तहत सभी सरकारी संस्थानों को अधिकृत एजेंसी के माध्यम से वैद्युतिक कचरे का निपटान करने के मानदंडों का पालन करना होगा। शिलांग में एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्स पार्टनर सिस्टम नेहू ने 2 दिवसीय विशेष ई वेस्ट डिस्पोजल ड्राइव शुरू किया है। अभियान के पहले दिन शिक्षा विभाग से बड़ी मात्रा में वैद्युतिक कचरा जमा किया गया। इस वैद्युतिक कचरे को रिसाइकलिंग केंद्रों में भेजा जाएगा और विकास तथा जागरूकता योजनाओं में उपयोग करने के लिए इसे जिला प्रशासन को दान दिया जाएगा।